शासन मंत्री चांदी धारीवाल जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह खाचरवाल जी, गोपाल मीणा जी, रफी खान साहब, राजीव वड़ा जी, महेश शर्मा जी, श्रीमती मुनीश गुजर, एनजी गोयल साहब, टी रविकांत, केसी मीणा जी, योगाराम जी जेडीसी, पी रमेश, सीएमडी जेएमआरसी, तमाम उपस्थित हमारे गणमान्य महानुभाव भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज मेट्रो रेल परियोजना एक सी का शिलान्यास हुआ। जब मैं बात मेट्रो करता हूँ तो हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो 2009 के अंदर जब हमने शुरुआत करी थी और 13 में उसे ट्रायल हो गया था, रिकॉर्ड टाइम पे बनना नंबर एक, पहल करने राजस्थान को, उस वक्त बड़े बड़े शहरों में देश थे, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहरों के अंदर भी मेट्रो का काम प्रारंभ नहीं हुआ। दिल्ली मेट्रो के जो मेट्रो मैन थे ई श्रीधरन, उनका एक चार लाइन का मैंने स्टेट में पढ़ा कोटा के अंदर, जयपुर में मेट्रो संभव है। मैंने धारीवाल जी को कहा, उनसे मिले, उनको बुलाया, दिल्ली मेट्रो को काम दे दिया हम लोगों ने। ये भारत सरकार का दिल्ली सजा का उपक्रम था, रिकॉर्ड टाइम में जयपुर मेट्रो बनी। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाकर। अब मुझे कहते घर है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्टी परियोजना भी आगे बढ़ी है, एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है, सेंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है, वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। पर सपना हमारा है कि किस प्रकार से हम मेट्रो को सीतापुरा से अंबाबाड़ी सेकंड फेज बने 22 किलोमीटर का। सपना ये भी है जो 2030 का डिविजन रखा हम लोगों ने, उसके माने ये कि हम सब जो है प्रदेशवासी सोचे हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे विषय के लिए, जिस विषय से आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कोई वर्ग का व्यक्ति है, छात्र है, नौजवान है, किसान है, वो क्या सोचता है कि मुझे, मेरी कल्पना ये है कि राजस्थान में 2030 तक राजस्थान यहाँ तक पहुंचना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, उसकी क्या कल्पना आपके पास में, आर्थिक विकास दर में हमें गर्व है कि आज राजस्थान उत्तर भारत के नंबर वन राज्य बन गया, देश का नंबर वन राज्य बन गया, आर्थिक विकास दर हमारी जो है अगर बड़े राज्यों में देखें हम लोग, देश के नंबर दो पे हम लोग हैं, नंबर वन आंध्र प्रदेश 11.4% आर्थिक विकास दर, और अगर हम देखें उत्तर भारतीय राज्यों में, चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब, हरियाणा, जो भी हो, उत्तर प्रदेश राज्यों में नंबर वन है पर 11.04%। जीडीपी के अंदर हम लोग जो है इस साल के वित्तीय वर्ष अंत तक 15 लाख करोड़ जीडीपी पहुंच जाएंगे। हम लोग हमने कल्पना की है 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी का विस्तार होना चाहिए, जिससे कि हम लोग चौमुखी विकास करने में सक्षम हो सके। कहने का मतलब यह है, राजस्थान पहली बार आजादी के बाद में पहली बार राजस्थान के बाहर, दिल्ली के अंदर भी, केंद्र सरकार में भी, राज्यों के अंदर भी, अन्य राज्यों में और राज्य सरकारों के अंदर भी,
चर्चा में कोई राज्य है देश के अंदर है वो राजस्थान राज्य है, जिसने वो कानून बनाए हैं जो आज कहीं नहीं बने, वो फैसले चाहे वो राइट टू हेल्थ का एक्ट क्यों नहीं हो, 25 लाख का कवरेज क्यों नहीं हो हेल्थ के लिए इंश्योरेंस का, इतने काम हुए कोई सोच नहीं रखता। और कानून बनाए किसानों के जमीन कुड़क नहीं होनी चाहिए, कानून बनाए गिग वर्कर्स जो है आजकल ये ओला उबर जयपुर में बहुत होंगे वो लोग सर्विस डिलीवरी बॉयज, सुरक्षा नहीं है अभी तो वो खुद ही समझ पाए हमने कानून बनाया क्या है। अब ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर मिस्टर मैथ्यू वे पर नियोग से भी संबंध उनका, उन्होंने कहा कि ऐसा कानून राजस्थान की सरकार ने बनाया गिग वर्कर्स का जैसा कानून इस देश के हर राज्य में बनना चाहिए, केंद्र को सोचना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। आप सोच सकते हो ऐसे कानून शायद कहीं नहीं होंगे दुनिया के अंदर जो कानून हमने बनाया। ये 5-7 दिन पहले की बात है, आर्टिकल आया था हमने। आप सोच सकते हो जो इंटेलेक्चुअल है वो किस रूप में राजस्थान को देखते हैं, हर राज्य में हमारी स्कीमें जो है उसको लेके वहां के मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, लोग वादे कर रहे हैं पब्लिक से, गारंटी दे रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। ये क्यों संभव हुआ? आप सबके आशीर्वाद से जिस रूप में प्रदेशवासियों ने हमारी सरकार बनाई, हमें 5 साल तक मौका दिया काम करने का, हमने गुड गवर्नेंस दिए राजस्थान के अंदर, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने, उदाहरण आपके सामने है। और कानून ऐसे बने हैं, राइट टू हेल्थ का बन गया, राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बना दिया हम लोगों ने, शहरों के अंदर रोजगार, ये रफीक साहब की कॉन्शियस में हमने लॉन्च किया राजस्थान का प्रोग्राम, शहरों में रोजगार इंदिरा गांधी के नाम से नरेगा की तरह काम मिलना बहुत बड़ी बात है, वो काम हमने शुरू किया, लाभ मिल रहा लोगों का। कोविड के बारे में जो आज पढ़ा हुआ अपने अखबार में, जो अनाथ हो गए बच्चे, कोविड का पैकेज शानदार हमारा, कोविड में इलाज शानदार राजस्थान का, बीरोड़ा मॉडल देश में दुनिया में पहुंच गए, बल्कि WHO ने तारीफ करी, वो मॉडल काम है देश भर के दुनिया के अंदर। और मैं प्रदेशवासियों को भले देना चाहूंगा, तमाम धर्म गुरुओं को, एक्टिविस्ट को, NGO को, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए सर, सब लोग लॉकडाउन बंद थे, पूरे कहते घर है कि रास्ते में रहते हैं, जनता ने वो कर दिखाया देश के अंदर, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, इस तरह एक दूसरे की इमदाद करी, मदद करी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। आज मैंने 2021 की बात क्यों की है, कोरोना के मैनेजमेंट में जो सरकार ने किया वो तो किया था, पर आम जनता ने जो सहयोग दिया सब तमाम वर्गों ने, उससे लगा कि अगर हम आह्वान करेंगे 2021 का, 2021 में राजस्थान कहाँ पहुंचे तो संभव है, ये कोरोना की सीख लेके मैंने आगे बढ़ाऊं ये मैं कह सकता हूँ। और इतने कानून पास किए हम लोगों ने, पेपर लीक करने वाले हर राज्य में पेपर लीक हो गए, आर्मी में हो गया, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर हो गया, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं देश के अंदर, हमने कानून पार किया है। आज ही कारोबार की सजा मिलेगी और 200 लोगों को जेल भेज दिया, पिछली गवर्नमेंट के वक्त में भी 11 बार पेपर लीक हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमने कार्रवाई करी है जो जेलों में भेजे, क्योंकि नौजवान साथी जो है निराश हो जाते हैं, साहब इतनी मेहनत करी और पेपर लीक हो गया, उसका हमने इंतजाम किया है। तो कहने का मतलब यह है, लंबी लोग आ गई गांव की, देश में कहां पैसा मिला, एक गाय का 40,000 रुपये हमने दिया है गौ माता के लिए जो मर गई, पशुपालक को दिया, बीमा करें हम पशुपालकों के लिए गायों का, भैंस का, 2 पशुओं का, 10
जो रात थी महंगाई राशि बना लगाया हम लोगों ने, तमाम बातें पूरी की जा रही है। 500 में गया सिलेंडर, अब तो केंद्र सरकार दबाव में आई है, 200 में कम उन्होंने भी कर दी केंद्र सरकार ने कम कर। हम कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी को 200 में क्यों, अगर राजस्थान सरकार कर सकती है 500 रुपये में, आप ही 500 में कीजिए गरीबों के लिए, जिनकी इसकी स्कीम आपने खुद ने बनाई थी उज्ज्वला के नाम से। तो कहने का मतलब ये, टूरिज्म को हम लोग इंडस्ट्री का निर्णय दे दिया, आप जयपुर वासी बैठे हुए हो, आप समझ सकते हो क्या महत्व है टूरिज्म का। राजस्थान में टूरिज्म आता है तो टूरिस्ट आएगा, तो चाहे फॉरेन का हो या डोमेस्टिक हो, जयपुर आएगा, उदयपुर जाएगा, जोधपुर जाएगा, जैसलमेर जाएगा। और अब जो कमाल किया है धारीवाड़ी ने, कोटा को जो सौगात दी है रिवर फ्रंट की, वहाँ की पार्क की, मैं देख के आया पार्क, अद्भुत काम किया है। ये साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने जयपुर में भी जो भी गिनाए आपको, गार्ड की गोली हो चाहे रोड, ये एन जी गोल बैठे हुए हैं, ये डीजी से ये पहली बार यहाँ इन्फोर्समेंट हटे हैं, बरामदे खाली हुए हैं, सड़कें चौड़ी हुई है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो दिखता है उसके पहले सिंगल लेन थी। आप देखिए शानदार एयरपोर्ट से लगा के जहाँ बैठे तब तक क्या नहीं हुआ जयपुर, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो सड़कें बनी है आपकी हाई लेवल की, बाइक जोड़ो सेतु बन गया, कितने काम हुए हैं। तो काम की तो भरमार राजस्थान भर के अंदर है। हम और मैं कहना चाहूंगा राजस्थान को रास्ता नहीं रहा है, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। और टूरिज्म को जो दर्जा मिला है, प्लीज 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 प्लीज, टूरिज्म को दर्जा मिलना की मामूली बात नहीं है, इंडस्ट्री का दर्जा देना। मैं जब 35 साल पहले मंत्री था केंद्र में टूरिज्म का, तब मेरा सपना था कि राज्यों के अंदर टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि होटलियर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट सब आगे बढ़े, मजबूत हो तो ये सेक्टर और पनपेगा। एक तरफ मैंने 1,500 करोड़ रुपए रखे बजट के अंदर, पहली बार दर्जा दिया इंडस्ट्री का। आज रास्ता ही तमाम होटलियर्स, इंडस्ट्री वाले, टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट सब खुश हैं। आने वाले वक्त में तो बड़ा बूस्ट मिलेगा आपको राजस्थान में टूरिज्म को, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने में कहना चाहूंगा, जो मेट्रो आज बैठा मैं अंडरग्राउंड में, हम लोग गए मेट्रो में चढ़ के, हुए तो गर्व हुआ। और मुझे दुख होता है जब सरकार बदल जाती है तो इतना बड़ा सेटबैक लगता, कोई सोच नहीं सकता। सोचना चाहिए, टाइम आ गया है। रिफाइनरी चल रही थी, 38,000 करोड़ रिफाइनरी थी, तेल निकलने के बाद में बाड़मेर के अंदर, आज वो 72,000 करोड़ रिफाइनरी हो गई है, 72,000 करोड़। सोच सकते हो नुकसान किसका हुआ है, आम जनता के टैक्स के पैसे का हुआ है। सरकार बदलने मात्र से ऐसे में कई काम करा सकते हो आपको, जो सरकार बदलने के बाद बंद कर दिए गए थे। हरदे जोशी के नाम की यूनिवर्सिटी थी पत्रकारिता के लिए, वो बंद कर दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम का लॉ यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद कर दिया गया। हम बंद नहीं कर रहे हैं। ईआरसीपी की योजना वसुंधरा राजे के वक्त की है। दुख होता है जयपुर में शामिल उसके अंदर, अजमेर भी है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली, माधोपुर तो ही है, टोंक है, सब कुछ है। प्रधानमंत्री खुद ने इसी जयपुर के अंदर वादा किया था आप लोगों से, राष्ट्रीय परियोजना का जो मांग है उसको मैं सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। मांग किसकी थी, वसुंधरा जी की थी। हिंदू कहता है मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री कोई वादा करे, 16 परियोजनाएं चल रही राष्ट्रीय परियोजना है, क्या एक परियोजना राजस्थान की 25 MP दिए जीता कि उनको, क्या एक परियोजना के लिए मंत्रियों का है, इतना निकम्मा नकारा मंत्री है वो। हमारा मंत्री अपना जोधपुर का MP क्या एक परियोजना घोषित नहीं कर सकती है, राष्ट्रीय परियोजना। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का उद्घाटन हो रहा है, कल्पना कीजिए जयपुर दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के पास में बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वो बन रहा है असेंबली के पास में बन रहा है।
परसों जो है गांधी वाटिका बनी बहुत शानदार, वो भी आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। गांधी जी का म्यूजियम गांधी वाटिका नाम लिखा हम लोगों ने, उसका उद्घाटन भी 23 को होगा। आप देखेंगे पूरे देश का टूरिस्ट आएगा और वहां जाएगा, चाहे देश का है चाहे विदेश का है, इतना शानदार प्रोजेक्ट वो बना है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ने बना दिया, वो पूरी बुकिंग रहती है, एनसी गोयल उनके इंचार्ज है, पूरी बुकिंग हो रही है वहां पर, शानदार बन गया। इंटरनेशनल लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था वहां पर है। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हैबिटेट सेंटर बने हुए हैं, उसी पैटर्न पे यहाँ राजस्थान के लोग बैठे हैं, वहां पर इंटरनेशनल बैठे, पत्रकार बैठे, साहित्यकार बैठे, लेखक बैठे, प्रोफेसर बैठे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बैठे, रिटायर्ड जजेस बैठे, चर्चा करें राजस्थान के भविष्य की। वो प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों ने राजस्थान की, यहाँ पर सौदा दी गई जयपुर को, आप सोच सकते हो इतने काम किए हम लोगों ने, इतने काम कर रहे हैं कोई सोच नहीं सकता। इतने मैं कहना चाहूंगा, सेंट्रल पार्क बना आपका, अब मानसरोवर में सिटी पार्क बन गया, जाके देखिएगा इसके मुकाबले का पार्क वो बना हुआ, एक पार्क और बनना जा रहा है जिसका शिलान्यास करवाया गया है। तो जो कुछ कर सकती सरकार जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए, जिन्होंने क्या कोटा के लिए, आप देखिए जा करके हर जिले में, राजस्थान के हर जिले में, चाहे जोधपुर हो, अजमेर हो, बीकानेर हो, या संभाग के मुख्यालय भरतपुर हो, कोई संभाग के मुख्यालय हो, तो नए और बना दिए हमने। आज 33 जिले के बजाय अब 50 जिले राजस्थान में हो गए हैं, 50 जिले हो गए राजस्थान, उसके मायने हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से लोगों की पहुंच बढ़ गई है, नजदीक जाना पड़ेगा, कोतपुतली कहाँ कोतपुतली है, यहाँ आना पड़ता है उनको 100 किलोमीटर, वही जिला बन गया है। इतना बड़ा लाभ मिलेगा राजस्थान के लोगों को सोच नहीं सकता है। इस प्रकार से हम लोगों ने एक एक बात को जो फैसले किए हैं वो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। और छात्रों के लिए अनुपति योजना, कोचिंग के लिए कोचिंग हब बन रहा है जयपुर के अंदर, जयपुर तो अंतर्राष्ट्रीय मैप पे आ चुका है। राजस्थान के हर गांव में जाओगे या तो परिवार को या गांव को कुछ कुछ मिला है, चाहे वो सब सेंटर मिला है, पीएससी मिली है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल मिली है, परिवार में लाभार्थी है वो कोई ना कोई स्कीम का। अरे पहली बार वो राजस्थान के 7 करोड़ जनता को कुछ न कुछ लाभ मिला है, कुछ न कुछ सौगात मिली है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अब देखिए कोटा के अंदर, कोटा मेरे ख्याल भारत के अंदर, देश के अंदर शायद हो सके तो 2-4 शहर हो जहाँ ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक लाइटें होती है, हमें रुकना पड़ता है, पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अनावश्यक होता है। इसमें कई एक बहस हो चुकी है देश के अंदर कई बार। धारीवाल जी ने कोटा को, पूरे शहर को ट्रैफिक लाइट मुक्त कर दिया है, और वही काम जयपुर में चल रहा है। अब जयपुर मुक्त होगा, हम चाहेंगे 2030 मिशन जो बनाया है और वो हमारी कल्पना हो, राजस्थान के हर शहर में ट्रैफिक लाइटें, लाइट फ्री ट्रैफिक चले वहां पर। इस प्रकार की शोर के साथ में हम लोगों से मांग रहे सुझाव, आपको यहाँ घर होगा, राजस्थान वासियों जज्बा देके मैं सलाम करता हूँ उनको। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दे दिया, चले वहां पर। इस प्रकार की शोर के साथ में हम लोगों से मांग रहे सुझाव, आपको यहाँ घर होगा, राजस्थान वासियों जज्बा देके मैं सलाम करता हूँ उनको। 2 करोड़ से अधिक लोगों ने सुझाव दे दिए अपने, ऑनलाइन ऑफलाइन आ चुके हैं, 200 लोग बैठे हुए विजिट करने के लिए, उनके लिए टीम बना रखी हम लोगों ने, डॉक्यूमेंट बनेगा, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, मिशन डॉक्यूमेंट बनेगा, हमेशा काम आएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा, राजस्थान कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पहुंच गया है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हूँ, कहने को बहुत सारी बातें हैं, खाली मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि 5 साल का शासन देखा आपने, कोई कमी रखी नहीं। चर्चा रहता है कि मैंने कहा हिंदुस्तान भर के अंदर है, उसके मायने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर चुनाव आ रहा है,
मैं नहीं कह सकता, माई बाप तो आप लोग बैठे हो, प्रदेश जनता होती है, वो तय करती है, सजा बनाते हैं। तो पता नहीं मुझे क्यों लगता है, इस बार मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहते सरकार आ रही है, सरकार आ सकती है। कल मैं बॉम्बे में था, शांत में अभी बात लास्ट बात अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बॉम्बे में लाल बाग जगह है, वहां लाल बाग में गणेश जी को वास्ता स्थापित किया गया था, वहां मैं गया दर्शन करने के लिए, भीड़ बहुत, लाखों लोग आते हैं। पूरे आशीर्वाद जब मैं जा रहा था वहां, वहां के लोग बोल रहे थे रातों सरकार आपकी आ रही है, सब आ रही है। उस अंदा लगा लीजिए कि राजस्थान की आपकी खुशबू जो है पूरे देश में पहुंची है, आपके फैसलों की, आपकी गवर्नेंस की। आईटी बेस आज नंबर वन है देश के अंदर, आईटी बेस राजस्थान नंबर वन पर है, कई मामलों में नंबर वन पे आ गया देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आने वाले वक्त के अंदर, मुझे 2030 में आप लोग अभी तक फिलहाल दे सकते हो अगर चाहें तो, डॉक्यूमेंट बन रहा है, 30 में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन सरकार बनेगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सपने की बात। आज हम क्या सपना देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था सपना देखना सीखो जिससे हम आगे बढ़ सके सपने को पूरा करने के लिए, यही भावना हमारी होनी चाहिए। अंत में कहना चाहूंगा 2 अक्टूबर को तंग करते हैं, राजस्थान में भी प्रयोग करके देख लिया, फेल हो गए। अब देखा होगा पिछले दिनों में ईडी वीडी की बातें चल रही थी अखबारों के अंदर, तो सोना मिल गया कि चांदी मिल गई, कहीं पैसा मिल गया, उसके कौन धनी धोरी है पता किया, कोई पकड़ा गया, कुछ सरकारी मंत्री या अधिकारी को पकड़ा गया, उसके अंदर ऊपर के दबाव से आना पड़ता है इन लोगों को। आप सोच सकते हो लोकतंत्र कहाँ रहा है, लेकिन उसका मुकाबला हमें करना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कृपा करके आप इस बार, वैसे माई बाप जनता होती है, पर मुझे लगता है इस बार जब लोग कहते हैं सरकार आ सकती है तो सरकार रिपीट करके दिखाओ। आप देखेंगे रिपीट होने के बाद में 5 साल जो काम होगा, राजस्थान इतिहास बनाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता मैं जेडीए को, तमाम मेट्रो रेलवे के कॉरपोरेशन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने शिलान्यास भी करवाए हैं, लोकार्पण भी करवाए हैं, मेट्रो का एक्सटेंशन भी होगा, और हमारा सपना है कि मेट्रो जो है आपके आने वाले वक्त के अंदर जिस रूप में हम चाहते हैं कि आपके चौमू नजदीक है, चाकसू है, बस्ती है, कानोता है, सापुरा है, बगरू तक मेट्रो जाए, कोई टाइम ही आए। आपका ये हॉस्पिटल बन रहे चारों ओर पेरीफेरी के अंदर, जिससे कि एसएमएस में भार कम हो जाए, एसएमएस में शानदार काम चल रहा है। उत्तर भारत में छोड़िए 26 मंजिल का आईपीडी टावर बन रहा है यहाँ पर, धारीवाल जी ने ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था भी कर दी उसके ऊपर, कोई मरीज आए इमरजेंसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना हो तो देरी काम के नहीं उसके अंदर, तो हेलीपैड बन रहा है ऊपर शानदार, वो आईपीडी टावर बन रहा है। हर क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, और 1 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी के अंदर, जो मैं लगातार मांग करता हूँ प्रधानमंत्री जी से। मोदी जी 4 कानून बनाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, नरेगा, खाद्य सामग्री का कानून, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, शिक्षा का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार, 5 कानून आप बनाओ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। दुनिया भर में आप घूमते हो, दुनिया के मुल्कों में हर परिवार को जो नीडी है उसके भरण पोषण की जिम्मेवारी सरकार की होती है। राहुल गांधी ने भी प्रयास किया था, न्याय योजना लेके आए थे चुनाव के वक्त में, 6,000 रुपये प्रति परिवार मिले। वक्त आ गया ऐसा कोई योजना आए, सामाजिक सुरक्षा मिले हर परिवार को देश के अंदर। हमने यहाँ राजस्थान में 1,001 करोड़ लोगों को मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन कर दी राजस्थान के अंदर हम लोगों ने। आप सोच सकते हो
वो इतने खुश है, डिसेबल्ड है, विधवा हमारी बहनें हैं, एकल नारी है, बुजुर्ग लोग हैं, इस प्रकार के हर क्षेत्र में राजस्थान प्रगति कर रहा है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।